करीब 50 साल के अंतराल के बाद रूस 11 अगस्त को मून मिशन शुरू करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारने के लिए दुनिया का पहला देश बनने की दौड़ की तैयारी कर रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों को चांद के साउथ पोल पर पानी का सोर्स मिलने की उम्मीद है। यही वो सोर्स है जिससे भविष्य में मनुष्य के चांद पर रहने की संभावनाओं का प्रबल करेगा। इसे हासिल करने के लिए भारत पहले ही अपने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अब अटकलें लगाई जा रही है कि क्या रूस का मिशन भारत के चंद्रयान से पहले चांद के साउथ पोल पर उतर पाएगा। दोनों में पहले कौन चांद पर कब्जा करेगा, इस बात पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक उड़ान भरने में 5 दिन लगेंगे। फिर उसके दक्षिणी ध्रुव के पास संभावित लैंडिंग के 3 जगहों में से एक पर उतरने से पहले लूना 25 चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन बिताएगा। अब सवाल यह है कि पहले कौन चांद पर उतरता है। बता दें कि पहले चांद पर कौन कब्जा करेगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों मिशन में क्या अंतर है और दोनों का डिज़ाइन कैसा है। बता दें कि चंद्रयान 3 को 2 हफ्ते तक चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि लूना 25 चंद्रमा पर 1 साल तक काम करेगा। 1.8 टन के द्रव्यमान और 31 किलोग्राम वैज्ञानिक उपकरण ले जाने के साथ लूना 25 जमे हुए पानी की मौजूदगी का परीक्षण करने के लिए 15 सेमी की गहराई से चट्टान के नमूने लेने के लिए एक स्कोप का उपयोग करेगा जो चंद्रमा पर मानव जीवन को संभव बना सकता है। हालांकि अस्त व्यस्त और ऊपर खाबर जगह होने की वजह से चांद के साउथ पोल पर उतरना मुश्किल रहता है, लेकिन दक्षिण ध्रुव एक अमूल्य जगह है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां काफ़ी मात्रा में बर्फ़ मौजूद हो सकती है जिसका इस्तेमाल ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पानी पीने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे क्योंकि दोनों की लैंडिंग अलग अलग जगह होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों मिशन एक दूसरे से टकराए। इसके साथ ही यान के लिए चंद्रमा पर पर्याप्त जगह भी है।